अस्सलामुअलैकुम, शहज़ाद टेक चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। तो दोस्तों, कलर ओएस 7 की अपडेट ओप्पो की डिवाइसेस के लिए ऑफिशियल हो चुकी है। ओप्पो की कौन कौन सी डिवाइसेस को कलर ओएस 7 की अपडेट देखने को मिलेगी और क्या क्या चेंज लॉग इसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चैनल पर नया तो चैनल कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में टाइम से मिल सकें। तो दोस्तों, कलर ओएस 7 की अपडेट एंड्रॉयड 10 स्टेबल वर्जन के साथ ओप्पो की डिवाइसेस के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है। अब यहाँ पे डिवाइसेस बता दी गई हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस को कलर ओएस 7 की अपडेट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड 10 की अपडेट भी साथ देखने को मिलेगी। स्टेबल वर्जन होगा एंड्रॉयड 10 का। ओप्पो की कुछ ऐसी डिवाइसेज हैं जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है, उसके अंदर तो आपको एंड्रॉयड 10 स्टेबल अपडेट देखने को मिल रही थी, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेज थी जिनको अभी तक कलर ओएस 7 और एंड्रॉयड 10 देखने को नहीं मिला था। ग्लोबल डिवाइसेज को मेंशन किया गया है, ओप्पो F11, F11 प्रो, F11 एवेंजर्स, ओप्पो फाइंड एक्स सीरीज, ओप्पो A9, ओप्पो रेनो, ओप्पो रेनो 10X जूम, ओप्पो रेनो Z, ओप्पो रेनो 2, ओप्पो रेनो 2Z, ओप्पो रेनो R17, ओप्पो R17 प्रो के अंदर अपडेट ग्लोबली देखने को मिलेगी। इसके अलावा चाइना के अंदर भी सेम लिस्ट है, लेकिन इसके अंदर एक दो डिवाइसेज एक्स्ट्रा डाली गई हैं, ओप्पो रेनो ए सीरीज और ओप्पो रेनो सीरीज। चेंज लॉग की बात करें, यानी कि क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंटरफेस चेंज देखने को मिलेगा, बॉर्डर लेस डिज़ाइन होगा, और इसके अलावा यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स भी ऐड किए गए, आप उनको चेंज करके अपनी मर्जी से फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट स्लाइड बार को यहाँ पे ऐड किया गया है, वन हैंडेड ऑपरेशन यूज़ हो सकेगा और स्मार्ट स्लाइड बार से साइड से आप इसके अंदर एप्लीकेशन वगैरह को रख सकते हैं। असिस्टिव बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडोज़ का ऑप्शन होगा मल्टीपल ऐप्स के लिए। इसके अलावा एक बबल ऐड किया गया है, बबल उस वक्त देखने को मिलेगा जब आप स्मार्ट स्लाइड बार से कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो वहाँ पे एक बबल शो हो जाएगा, आप उसको प्रेस करके जो है अपनी एप्लीकेशन को कोलैप्स भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट्स को लेके यहाँ पे चेंजेस की गई हैं, 3 फिंगर्स यूज़ करके आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, कोई भी पार्शल स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, कोई भी हिस्सा आप स्क्रीन शॉट में लेना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेटिंग्स दी गई हैं फ्लोटिंग विंडोज़ के लिए, स्क्रीनशॉट को आप उसका साउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, आपको ऊपर शो हो जाएगा, उसको ड्रैग करके आप जितना हिस्सा जो है कट करना चाहें वही आप कट कर सकेंगे। नेविगेशन गेस्चर 3.0 ऐड किया गया, जिसके साथ आप अपनी एप्लीकेशन को दोनों साइड से स्लाइड करके पिछली ऐप के अंदर जा सकते हैं, और ये आपको लैंडस्केप मोड के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको डार्क मोड देखने को मिलेगा, फोकस मोड देखने को मिलेगा, न्यू रीलोड एनिमेशन देखने को मिलेगा, ऑप्टिमाइज यूजर इंटरफेस, क्विक सेटिंग, स्वाइप लेफ्ट और राइट टू डिसमिस द एप्लीकेशन नोटिफिकेशन। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप बीच में रोक भी सकते हैं। फ्लोटिंग विंडोज़ को ऐड किया गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। साउंड्स ऐड किए गए हैं, ऑप्टिमाइज सिस्टम प्री लोड रिंगटोन्स आई हैं, मोबाइल टॉकबैक इंस्ट्रक्शंस, एक्सेसिबिलिटी, कलर एक्सेसिबिलिटी और रिसेंट एक्टिविटीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। गेम्स को लेके यहाँ पे काफ़ी सारी चेंजेस की गई हैं, आपको स्टार्टअप एनिमेशन देखने को मिलेगा और गेम स्पेस को काफ़ी सारा यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड किया गया है। विजुअल इंटरेक्शन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन के अंदर आपको लाइव वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे, स्टैटिक आर्ट प्लस बैकग्राउंड्स देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन के एप्लीकेशन आइकन्स को साइज, शेप और स्टाइल वगैरह में आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं अनलॉकिंग मेथड्स को। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइन ऐड किए गए हैं पासवर्ड्स के लिए, लाइव वॉलपेपर लॉक स्क्रीन के लिए भी ऐड किए गए हैं, स्क्रीन लेस क्लॉक स्टाइल ऐड किए गए हैं, और इसके अलावा होम स्क्रीन के ऊपर आप लार्जर फॉन्ट्स और आइकन्स वगैरह क्लियर लेआउट देख सकेंगे। सेफ्टी को लेके यहाँ पे काफ़ी सारी इन्हांसमेंट की गई है, वाईफाई को आप ऐड कर सकते हैं मैक एड्रेस के जरिए ताकि आपको एड्स ना दिखें और आप अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकें। कैमरा को लेके भी काफ़ी सारी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी, आपको एक यूज़र इंटरफेस न्यू स्टाइल का देखने को मिलेगा जिसके साथ आप बेटर यूज़र एक्सपीरियंस कर सकेंगे। इसके अलावा टाइमर साउंड के अंदर भी थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं, और फोटोज़ को लेके ऑप्टिमाइज एल्बम देखने को मिलेंगे, यूज़र इंटरफेस को क्लियर किया गया और थंबनेल फोटोज वगैरह आपको क्लियर देखने को मिलेंगे और फोटो हिंट्स वगैरह एल्बम हिंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओप्पो शेयर के ऑप्शन को काफ़ी सारा इन्हांस किया गया, यहाँ पे आप वीवो और शाओमी की डिवाइसेस के साथ अपना फाइल्स वगैरह को शेयर कर सकेंगे, और इसके यूज़र इंटरफेस को भी काफ़ी चेंज किया गया। सो लूप वीडियो एडिटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ आप अपनी वीडियोज़ वगैरह को वन टच के अंदर एडिट कर सकेंगे। डॉक वॉल्ट देखने को मिलेगा, इजी मैनेजमेंट और यूज़ ऑफ योर डिजिटल आईडी कार्ड्स, और ये सिर्फ इंडिया के अंदर सोल्ड जो फोन होंगे उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आज की टेक अपडेट्स के अंदर इतना ही था, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह निगेबान।